अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डेटा ऑगमेंटेशन के बारे में और उसकी टेक्निक्स के बारे में कि डेटा ऑगमेंटेशन होती क्या है और उसकी कौन-कौन सी टेक्निक्स हैं। हम स्पेसिफिकली इस लेक्चर में बात करेंगे डेटा ऑगमेंटेशन टेक्निक्स की जो कि है इमेजेस से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि डीप लर्निंग पे आप सबको पता है, पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम स्विच ही इसी वजह से होते हैं कि हम इमेजेस पे काम कर सकें, क्योंकि मशीन लर्निंग अच्छा काम नहीं कर रही थी। हम इसीलिए मूव ऑन हुए डीप लर्निंग की तरफ कि हम इमेजेस पे अच्छे तरीके से काम कर सकें। तो आज जो हम कंटेंट्स पढ़ने जा रहे हैं वो है, पहला कि डेटा ऑगमेंटेशन है क्या, दूसरा कि टाइप्स ऑफ डेटा ऑगमेंटेशन कौन कौन सी होती हैं, तीसरा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और चौथा कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। अगर हम डेटा ऑगमेंटेशन की बात करें तो डेटा ऑगमेंटेशन एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम डेटा की साइज को बढ़ाते हैं। किस डेटा की साइज को? जो हमारा ट्रेनिंग मॉडल होता है उसकी साइज को हम बढ़ाते हैं। वो कैसे बढ़ाते हैं? वो हम ऐसे बढ़ाते हैं कि हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं? डिफरेंट पोजिशनिंग उसकी करते हैं, या तो उसकी हम कलर में ऑगमेंटेशन करते हैं, कलर में चेंजिंग करते हैं, उसकी ह्यू का कलर चेंज कर लेंगे, बैकग्राउंड का कलर चेंज करेंगे, उसे ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम डेटा को ऑगमेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक डेटा और ऑगमेंटेड डेटा। सिंथेटिक डेटा कौन सा होता है? जो हम आर्टिफिशियली क्रिएट करें। ऑगमेंटेड डेटा वो होता है जो हम ओरिजिनल डेटा से ड्राइव करें। सिंथेटिक डेटा में जो प्रोसेस यूज होता है वो है हमारा जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क्स, जिसको हम GAN भी बोलते हैं, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ये कैसे वर्कआउट करता है। अगर यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल लें तो पहला पहला होता है कि हम रैंडम एक इनपुट दे रहे हैं, उससे आगे है जनरेटर। जनरेटर में से सैंपल निकल रहा है, सैंपल आके डिस्क्रिमिनेटर में आ रहा है। और अगर हम ऊपर देखें, यहाँ पे रियल इमेजेस हैं, रियल इमेजेस में से भी सैंपल निकला, ये दोनों सैंपल आकर डिस्क्रिमिनेटर में आए, और इनमें से डिस्क्रिमिनेटर और जनरेटर आयन लॉस जो है वो हमारा आउटपुट में निकलेगा। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, ऐसे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं ऑगमेंटेड डेटा की। जो जिस डेटा को हम ट्रांसफॉर्म करें, ऑगमेंट करें। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पिक्चर है, ओरिजिनल पिक्चर, इसको हमने इस शेप में कर दिया, तो ये भी ऑगमेंट हो गया और क्वांटिटी भी बढ़ गई डेटा की, तो हमारी ट्रेनिंग अच्छी हो जाएगी डेटा की। अगर हमारी ट्रेनिंग अच्छी होगी तो हमारी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी। ये देखें, ये इसकी ओरिजिनल इमेज थी, हमने इसको रोटेट करके लगा दिया, इसको फ्लिप करके लगा दिया, ये इस तरफ था रोटेटेड, अब हमने इसको फ्लिप कर दिया डायरेक्टली, इसको सर्कल की शेप में लगा दिया। ऐसे मल्टीपल शेप्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं डेटा ऑगमेंटेशन में, स्पेशली इमेज ऑगमेंटेशन में। जो हमारी नेक्स्ट चीज है वो ये है कि टाइप्स ऑफ डेटा ऑगमेंटेशन। टाइप्स कितने होते हैं? पहला टाइप होता है कि पोजिशन। आप उसकी पोजिशन चेंज करो, रोटेट कर दो, फ्लिप कर दो, कुछ भी कर दो, उसे 360 में घुमा दो, ये होता है पोजीशन। सेकंड टाइप हमारा होता है कलर ऑगमेंटेशन। आप उसके कलर चेंज करो। फॉर एन इंस्टेंस, ये देखें, ये है कलर डिफॉर्मेशन, या कलर आप उसका इनहेंस कर दें, ह्यू को बढ़ा दें, उसके बैकग्राउंड को चेंज कर दें। ये देखें, बैकग्राउंड स्वैपिंग यहाँ पे चल रही है। उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट GAN, जो कि हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पहली चीज कि इससे मॉडल की परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाती है। अगर हम एक एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल, ये परफॉर्मेंस इंक्रीज फ्रॉम ऑगमेंटेशन, ये जो है टेस्ट परफॉर्मेंस है, ये वनेला ट्रेनिंग और ये ऑगमेंटेड ट्रेनिंग। ये डायरेक्टली ट्रेनिंग आप कर रहे हैं डेटा सेट की, तो उसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80 तक आ रही है, ऑलमोस्ट, अगर हम देखें 78-80 तक। अगर हम ऑगमेंटेशन के बाद देखें तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो 85 से भी ऊपर आ रही है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है अगर हमें अपनी डेटा की एक्यूरेसी बढ़ानी है तो। सेकंड चीज ये कि रिड्यूस डेटा कलेक्शन कॉस्ट। जो कॉस्ट है डेटा कलेक्शन की,
वो हमारी बच जाती है इस टेक्निक के थ्रू। हमें डेटा कलेक्शन में इतनी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। एक सैंपल ऑफ डेटा हमारे पास आ गया, हम उसको ऑगमेंट कर करके अपना सैंपल एक ट्रेनिंग डेटा बना सकते हैं इजीली। उसके बाद है इसकी लिमिटेशंस। इसकी लिमिटेशंस क्या है? इसकी लिमिटेशन है क्वालिटी। हमें नहीं पता कि क्वालिटी ऑफ डेटा कितनी खराब है या कितनी अच्छी है। सेकंड इसकी लिमिटेशन सिंथेटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको हम R&D बोलते हैं, जो कि सिंथेटिक, जो हम आर्टिफिशियली डेटा डेवलप करते हैं, इसकी वजह से उस पे लिमिटेशंस आ गई हैं, वो हमने बनाना कम कर दिया है। थर्ड ये है कि हमारे पास कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होती कि डेटा ऑगमेंट भी हुआ है या नहीं हुआ। फोर्थ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें ओरिजिनल बायस हमेशा रहती है। अगर आपकी पिक्चर्स में ओरिजिनल एक बायसनेस है तो वो रहेगी, या तो फिर आप उसको पहले ट्रांसफॉर्म कर लें और फिर उसे ऑगमेंट करें तो फिर हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑप्टिमल ऑगमेंटेशन। ऑप्टिमल ऑगमेंटेशन, हाँ, जैसे कि हमारे पास टेक्निक्स है GAN, एक ऑगमेंटेशन की टेक्निक है, तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो हमें ऐसी टेक्निक्स भी ढूंढनी होंगी जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, ऑप्टिमल हो, ताकि हम उन्हें यूज कर सकें। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। ये लेक्चर तो खत्म हो गया, पर अगर आपको डेटा ऑगमेंटेशन के बारे में और भी पढ़ना है तो आपके पास ऊपर एक लिंक आ रहा होगा जिसमें आप मशीन लर्निंग पे डेटा ऑगमेंटेशन कैसे कर सकते हैं ये आप जान सकते हैं। दैट इज इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।